हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रेशु मोनू व्लॉग में, और आप सभी को हैप्पी रिपब्लिक डे 26 जनवरी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो देखिए, सुबह सुबह का टाइम, मैं जा रही हूँ नीचे मेरे कचरा फेंकने के लिए। तो यहाँ पर कचरा को मैंने फेंक दिया है। अब इधर जा रही हूँ मैं खेतों में। मैं सोची अब नीचे उतरी हूँ तो साथ ही साथ में मैं मेथी को भी तोड़ लेती हूँ। तो ज़्यादा तो नहीं तोड़ूंगी, थोड़ा सा ही तोड़ूंगी, घर के लिए, घर का ही है तो कभी भी आके फिर तोड़ सकती हूँ। तो थोड़ा सा मेथी तोड़ ली। उसके बाद ना मैं देखी, वहाँ पर बेर का पेड़ था, मतलब पेड़ है, तो वहाँ पे ना बेर गिरा हुआ था। सुबह सुबह गई थी तो यहाँ पर ना देखिए, बेर को सब उठा रही हूँ। पक रहा है, अब चालू हो गया है पकना। काफ़ी मीठा है, बहुत ही ज़्यादा मीठा है, मस्त लगता है खाने में। तो यहाँ पर ना बेर को उठाई हूँ मैं, थोड़ा भी बहुत गिरा हुआ था तो, और वहाँ पर बिही भी गिरा हुआ था, लास्ट था, दो तीन ही बिही गिरा हुआ था, तो उसको भी मैं रख ली। उसके बाद ना अब चलिए, हो गया है, बेर वगैरह तोड़ ली, अब चलिए चलते हैं अब ऊपर। तो देखिए, अब मैं जा रही हूँ ऊपर, और यहाँ पर देखिए हमारा जो भगवान जी का मंदिर बन रहा है, ये काफ़ी हद तक पूरा बन ही गया है। अब पुट्टी पोताई वगैरह सब बचा हुआ है, वो सब हो रहा है। तो देखिए, यहाँ पर अब मैं ऊपर चढ़ रही हूँ, क्योंकि मुझे अब करना है किचन में जाके काम। तो देखिए, यहाँ पर किचन में आ गई हूँ, और जो मेथी लेकर आई हूँ ना मैं, उसको जो है ना धो रही हूँ, थोड़ा सा ही है, तो अभी सब्जी में डालूंगी करके। और उसके बाद ना बिही और बेर को भी धो ली, फिर बर्तन भी रखाया हुआ था तो उसको फिर मैं समेट रही हूँ अब। तो देखिए, सबको समेट दी बर्तन को, और यहाँ पर पत्ता गोभी को रात में ही काट करके रख ली थी, तो उसको फिर धोने के लिए डाल दी थी, और उबालने के लिए कुकर में रख दी हूँ। और आज मैं पास्ता बनाऊँगी, तो पास्ता को भी मैं रख दी हूँ उसको उबालने के लिए। तो यहाँ पर अब लगा रही हूँ झाड़ू। तो देखिए, झाड़ू पूरा मेरा लग गया है सभी तरफ से। तो यहाँ पर देखिए, पास्ता को मैं बना रही हूँ, तो ये पास्ता जो है मेरा बन गया है। और बगल में मैं चाय रखी हूँ, काफ़ी दिनों बाद मैं पास्ता बनाई हूँ, वहाँ गई थी घर ना तो लेकर आई हूँ, तो इसलिए बना रही हूँ अब। तो देखिए, बन गया है, और उसके बाद ही ना मैं इनको चाय दे दी, और ये अपना फ्रेश वगैरह होने के लिए जाएंगे, चाय पी रहे हैं वो भी। और इधर मैं भी अपना नाश्ता ले आई और चाय पी रही हूँ, और श्रेयु जो है ना सोया हुआ है, श्रेयु सोया हुआ है, ये देखिए कितना क्यूट लगते हैं ना बच्चे लोग सोते हुए, और उठ जाते हैं उसके बाद शैतान ही करते हैं। हाँ, दे रही हूँ, चलिए अभी इनको गर्म पानी दे देती हूँ, नहाएंगे फिर ये। तो गाइस, यहाँ पर दे दी हूँ इनको पानी, अब ये नहा के अपना निकलेंगे। और यहाँ पर मैं फिर से लग गई हूँ अपने काम में। तो देखिए, दाल को ना धो के रख दी हूँ, और अब उसको चढ़ाऊँगी इंडक्शन पे। और यहाँ पर ना गैस पे रख दी हूँ कढ़ाई, क्योंकि अब सब्जी और खाना बनाने की तैयारी करेंगे, नाश्ता वगैरह तो सब हो गया है। तो देखिए, हल्दी नमक डाल के रख दी हूँ कुकर में। और यहाँ पर ना इनको पूछी आप खाएँगे कि ले जाएँगे, तो ये बोले कि टिफ़िन में पैक कर दे, तो टिफ़िन में पैक करके दे रही हूँ। तो बोलते हैं ज़्यादा हो गया, तो मैं बोल रही हूँ उनको नहीं, थोड़ा सा ही दी हूँ करके। तो देखिए, यहाँ पर उनको दे दी हूँ, और अब इसके बाद वो खाएंगे, सॉरी चले जाएंगे। और यहाँ पर फिर से मैं लग गई हूँ। तो गाइस देखिए, इसमें मैं जीरा डाल रही हूँ, उसके बाद प्याज मिर्ची और मेथी जो कट करके रखी हुई हूँ उसको फिर मैं डालूँगी। यहाँ पर ना मेरे हाथों में ही छिटक गया था, तो फिर उसको पोछी। फिर उसके बाद देखिए, इसमें टमाटर वगैरह भी डाल दी, क्योंकि ना मैं पत्ता गोभी को उबाल कर रख दी थी, और उसमें थोड़ा भाटा भी डाली हूँ, तो पत्ता गोभी और भाटा करके अच्छा लगता है मुझे। तो बस उसमें बस छौंका लगाई हूँ, टमाटर वगैरह को डालकर अपना छौंका लगा दी हूँ। और फिर उसके बाद देखिए, पत्ता गोभी को भी मैं डाल दी हूँ। और यहाँ पर ना पानी, श्रेयु उठ गया, देखिए श्रेयु आ गया किचन में, सो के उठ गया वो। तो यहाँ पर गर्म पानी करके मैं रखी थी, तो उसको गर्म पानी पिला रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए, नहीं पीऊँगा बोल रहा है, बट लेकिन ना
कुछ कुछ इधर उधर की बातें करके उसको थोड़ा थोड़ा पानी पिला रही हूँ। और जहाँ कुकर की सीटी बजा उसके बाद हाँ बोलता है, क्योंकि गर्म रहता है। तो देखिए यहाँ पर इधर उधर की बातें कर रही हूँ, देखो यम्मी यम्मी पानी है ऐसा बोल रही हूँ, उसके बाद वो उसको पिला रही हूँ तो वो थोड़ा थोड़ा पी रहा है। तो श्रेयू को बोली आप जाओ सोफ़ा में बैठना, तो वो जाकर बैठा है। और यहाँ पर ना मैं सब्जी को चला देती हूँ और चावल को बैठा दी हूँ। तो चलिए अब श्रेयू को नाश्ता करा देते हैं। श्रेयू बैठ गया है सोफा में, है ना बेटू? पास्ता खाओगे? पास्ता 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 बोलो तो पास्ता पूरा पूरा बोलो तो पास्ता पास्ता पास्ता। तो चलिए फटाफट से अब नाश्ता करा देते हैं हमारे श्रेयू को, है ना बेटू? तो गाइस यहाँ पर उसके चेहरे में लगा हुआ था कुछ, तो उसको पोछी हूँ और यहाँ पर उसको खिला रही हूँ। तो देखिए वो वहाँ पर बैठा हुआ है सोफ़ा में, और इधर आ गई हूँ मैं अपना बिस्तर वगैरह को झाड़ने के लिए। तो देखिए यहाँ पर बिस्तर को मैं पूरा झाड़ लेती हूँ और सबको घड़ी करके रख देती हूँ चेयर पर। और उधर ना उससे बातें भी कर रही हूँ, और वहाँ पर वो खा रहा है एक एक बाइट, क्योंकि वो सूखा चीज़ है तो वो अपने हाथों से भी निकाल के खा रहा है वो। तो देखिए गाइस यहाँ पर मेरा बिस्तर का पूरा झाड़ने वगैरह का काम हो गया है यहाँ पे। और जाती हूँ फिर श्रेयू को ना खिला देती हूँ, उसके बाद ना इधर मैं किचन में फिर देखने के लिए आ गई। सब्जी को रखी थी, चावल को रखी हूँ, तो सब्जी मेरा पक गया है तो उसको बंद कर दी गैस को। तो यहाँ पर चावल को भी मैं देख लेती हूँ, उसको भी खो देती हूँ चम्मच में। और उसके बाद देखिए दाल को देख रही हूँ, तो दाल पका नहीं था, तो दाल घोटनी में उसको अच्छे से चला देती हूँ तो थोड़ा सा अच्छे से पक जाएगा, मिक्स हो जाएगा फिर। तो उसको बंद करके रख दी हूँ। और आप खा रहे हो कि बदमाशी कर रहे हो जी? खा रहे हो? आपके मुंह में तो गया ही नहीं, वो तो गिर गया नीचे। हाँ हाथ से खा लो, नहीं बन रहा है चम्मच में तो हाथ से खाओ, हाथ से उठा खा लो, हम करो ये इस वाले हाथ से खाते हैं बेटा, इस वाले हाथ से, और है ना? चलो हाँ इस वाले हाथ से खाते हैं, वेरी गुड। अरे वाह आपको आता है खाने, है ना? अपने हाथों से, वेरी गुड। तो यहाँ पर ना श्रेयू को नाश्ता कराई, उसके बाद उसके दादा के पास छोड़ दी नीचे। और मैं आ गई हूँ अब किचन में, अब काफ़ी ढेर सारा बर्तन है तो उसको धोने के लिए। तो ये ढेर सारा बर्तन इसलिए हुआ क्योंकि मैं ना नाश्ता की उसके बाद उसको बर्तन को भी नहीं मांज धोई थी, इसी कारण से ज़्यादा हो गया बर्तन। नहीं तो मैं मांज धो लेती हूँ ना नाश्ता का, तो खाने का जो रहता है वो ज़्यादा नहीं रहता है। तो गाइस यहाँ पर देखिए मैं ना फटाफट से मांज भी रही हूँ और धो भी रही हूँ साथ ही साथ, बेसिन में इकट्ठा करके नहीं रख रही हूँ, नहीं तो क्या है ना धोते नहीं बनता है अच्छे से। तो थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी अपना धो लो। तो देखिए यहाँ पर दीदी को बोली हूँ पानी का चालू करने के लिए बोर को, यहाँ पर चालू किए तो देखिए भर रही हूँ गुंडे को, पानी भरा जाएगा उसके बाद फिर। और ये देखिए श्रेयांश को आ गया है खेल कूद के, और यहाँ पे खड़ा हो गया सब्जी बना रहा है, देखिए कढ़ैया को रख दिया यहाँ पे। तो गाइस यहाँ पर हो गया है मेरा काम, किचन का पूरा क्लीन कर दी, किचन वगैरह को सब साफ कर दी हूँ, बर्तन वगैरह धो ली हूँ, हो गया है कंप्लीट। और अब चलिए चलते हैं रेडी होने के लिए, और श्रेयांश को भी मुझे रेडी करना है, उसको भी नहलाना धुलाना है। तो चलिए फिर चलते हैं, नहला धुला देते हैं फिर। तो गाइस देखिए अपन लोग रेडी हो गए हैं, अब जाएंगे शॉप, तो इनको बुला ली हूँ, ये आ गए हैं, तो शायद उनको कुछ काम हो तो उधर हैं। तो गाइस मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, अच्छी लगे तो कमेंट में बताइएगा, और इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।